क्या ब्रेकअप के बाद हुए डिप्रेशन का इलाज होता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं आपको इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्या ब्रेकअप के बाद हुए डिप्रेशन का इलाज होता है। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है एक मैडम का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये मुझसे पूछा है इन्होंने कि सर, इनकी एज 23 ईयर के आसपास है, इनका जो भी रिलेशनशिप रहा है इसके बाद इनका ब्रेकअप हुआ है, क्या ब्रेकअप के बाद हुए जो डिप्रेशन है इसका इलाज वास्तविक में होता है? तो बात करने वाला हूं मैं इसी टॉपिक पे। बात करूं दोस्तों, सबसे पहले मैं डिप्रेशन, तो डिप्रेशन होता है चाहे वो आपका ब्रेकअप की वजह से हुआ हो, या फिर किसी फाइनेंशियल लॉस की वजह से हुआ हो, या फिर किसी भी हस्बैंड या वाइफ का उससे डाइवोर्स की वजह से हुआ हो, या लड़ाई की वजह से हुआ हो, या फिर एक बहू का उससे सास से लड़ाई की वजह से होने वाला डिप्रेशन है, तो वो है आपका डिप्रेशन। किसी भी वजह से होने वाला डिप्रेशन आपका डिप्रेशन होता है। बात करूं अगर मैं डिप्रेशन की, अगर आपको ब्रेकअप की वजह से, क्योंकि मैडम ने पूछा है पर्टिकुलर, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि रिलेशनशिप अगर उनका द एंड हो गया है, उसकी वजह से भी अगर उनको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, हमेशा वो मायूसी छाई रहती है 10 से 15 दिनों के आसपास के पीरियड में, अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, सैडनेस महसूस हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, इसके साथ अगर उनकी जो स्लीप है आपकी अगर डिस्टर्ब है, यानी कि आपको नींद नहीं आती ढंग से, आप 10-10, 12-12, 15 घंटे सो नहीं रहे हैं, इसके बाद अगर आप सो रहे हैं तो कंटिन्यूटी के साथ आपकी जो स्लीप है बनी हुई है, हमेशा आपके बॉडी में आलस घेरे हुआ है। स्पेशली ये जो आपके आलस आता है ये मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ आपके मन में ऐसे थॉट्स आने लगे कि यार मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, जैसा कि इन मैडम ने कमेंट में बताया है कि इनको सुसाइडल के भी थॉट्स आने लगे हैं, क्योंकि जो इनका रिलेशनशिप था वो 5 ईयर के आसपास था। कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स डिप्रेशन वाले देखने को मिलते हैं तो आपको जरूरत है एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकेट्रिक डॉक्टर की, जो कि बहुत सारे लोग जाने से डरते हैं, सोचते हैं कि यार ब्रेकअप हो गया है, फैमिली प्रॉब्लम है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो सारे तरीके के स्ट्रेस को झेलने की कोशिश करता है, लेकिन जब इसका लेवल अगर ज्यादा हो जाता है, आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं, तब आपको जरूरत होती है एक प्रोफेशनल डॉक्टर की, तब आपको जाना चाहिए आपके नजदीकी हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी अच्छे अगर साइकेट्रिस्ट हैं उनके पास जाके आपको इलाज करवाना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये मेडिकेशंस के थ्रू भी किया जाता है और आपको इसकी काउंसलिंग करी जाती है। मेनली अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू ही आपका जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं आपको अगर इसमें रियायत मिल रही है तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है दवाइयों की। लेकिन अगर ये आपका क्रोनिक हो गया बहुत समय से, क्योंकि ज्यादातर डिप्रेशन के केसेस में ऐसा देखा जाता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है 2021 के डाटा की अगर मैं आपसे बात करूं, 85% लोग ऐसे हैं जिनको खुद नहीं पता कि उनको डिप्रेशन है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि अगर किसी को डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो उसको पहचाने और अपने नजदीकी हॉस्पिटल या साइकेट्रिस्ट के पास जाके उसका इलाज कराएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है लंबे समय तक अंदर ही अंदर इंसान को कमजोर कर देती है, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस घटा देती है। जैसा कि ये मैम ने बताया है कि इनकी एज 23 के आसपास है, तो जाहिर सी बात है ये या तो स्टूडेंट होंगी या फिर कहीं कोई काम कर रही होंगी, क्योंकि अगर इनका डिप्रेशन है, इनका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर अगर ये स्टूडेंट हैं तो इनका लैक ऑफ फोकस, कोई भी काम करने में इनका मन नहीं लगेगा, और इसके अलावा इनका जो कंसंट्रेशन है वो किसी भी काम करने में सही से फोकस नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से इनकी आगे का भी जो इनका फ्यूचर है वो भी स्पॉइल हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे सिम्टम्स आपको हैं, चाहे वो ब्रेकअप की वजह से हो, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हो, या फिर आपके बॉस से आपकी नहीं बनती उसकी वजह से है, तो भी आप उसका इलाज करवाइए। ऐसे केसेस में देखने को ये मिलता है लोग नहीं जाते, या तो वो संकोच की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते कि यार मैं क्या बताऊंगा, या तो वो पब्लिक या फिर बोल सकते हैं सोशल
स्टिग्मा की वजह से नहीं जाते। क्या है सोशल स्टिग्मा, क्या कहेंगे लोग? देखिए, लोग बने हैं कुछ ना कुछ कहने के लिए। अगर आप ये सोचेंगे कि क्या कहेंगे लोग, तो आखिर फिर वो लोग क्या कहेंगे? इसलिए आप ये सोशल स्टिग्मा को छोड़ के आप डॉक्टर के पास जाइए, इलाज करवाइए और अपने सिम्टम्स से निजात पाइए, क्योंकि ये अगर लंबे समय तक बना रहा तो आपको हो सकता है इससे ज्यादा दिक्कत फ्यूचर में हो, तो उसके बाद ये क्या कहेंगे लोग आपकी मदद करने नहीं आएंगे। इसलिए लास्ट में दोस्तों एक मैं आपसे बात बताना चाहूंगा, किसी ने कहा है कि अगर गलतियां इंसान नहीं करता तो शायद पेंसिल में भी पीछे रबड़ नहीं दी होती। इसलिए जो भी आपसे पास्ट में गलती हुई हो, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके किसी भी तरीके के वर्क में, तो उसको आप मिटाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो से ज्यादा फैलाइएगा, क्योंकि यंगस्टर में ज्यादातर देखने को मिलता है उनका ब्रेकअप, उनका रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो उससे ये निकले। और लास्ट में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।